हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट डिविनिटीज ऑफ ऋग्वैदिक टाइम हम कवर करेंगे। तो गॉड हमारे हैं और डिस्क्रिप्शन है। तो देखिए, पहले गॉड है इंद्र या पुरंदर, ठीक है। इनके बारे में 250 यानी 250 ऋग्वैदिक हिम्स हैं और इनको जो है हम डिफरेंट डिफरेंट नेम से जानते हैं। तो एक हमारा जो नेम है वो हम देखते हैं। देखिए, शाता करुतु, ठीक है, ये इसका मतलब है पोजेसिंग 100 पावर्स, ठीक है। फिर है वृत्राहन, मतलब होता है स्लेयर ऑफ डिमोन वृत्रा, ठीक है। फिर सोमपा मतलब होता है सोमा ड्रिंकर, पुरंदरा मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, ठीक है। माघावन मतलब होता है बाउंटीज, एंड ही इज अ वॉर गॉड, ठीक है, रेन गॉड, एंड इन हिज हैंड ही बोर थंडर बोल्ड, मतलब वज्र, वज्र उनके हाथ में होता है। नेक्स्ट हमारे हैं ये अग्नि हैं, इनके लिए जो है 200 हिम्स हैं, ठीक है। इनके लिए कितने हैं, 250, और अग्नि के लिए 200 हिम्स हैं, ठीक है। ये इनको फायर गॉड कहते हैं, ये इंटरमीडियरी है बिटवीन द गॉड एंड मैन, ठीक है, भगवान और इंसान के बीच में इंटरमीडियरी गॉड कहा जाता है। और इसके बाद इसीलिए जो देखिए कोई बहुत पवित्र काम होता है तो अग्नि का वहाँ पे अग्नि को साक्षी मान के काम किया जाता है। किसी की शादी के फेरे होते हैं या कोई ऐसा काम होता है तो अग्नि को इसीलिए साक्षी माना जाता है। भगवान और इंसान के बीच का जो है वो कनेक्शन है, ठीक है, ऐसा समझा जाता है। फिर हमारा है वरुणा, ठीक है। वरुण है 176 हिम्स हैं डिवोटेड, ये जो है आपका पर्सोनिफाइड वाटर, ठीक है, ये वरुण है, एंड सपोज टू अपहोल्ड द रता और द नेचुरल पावर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कॉस्मिक लॉ, ठीक है। रता मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कॉस्मिक लॉज, ही रेगुलेट्स ऑल द एक्टिविटीज इन हिज वर्ल्ड, ठीक है। सूर्य की बात करें तो देखिए गॉड ऑफ लाइट है, इज नोन एज द सावित्री इन ऋग वेदा, गिवर ऑफ लाइट लाइफ वेल्थ एनर्जी एंड फेमस गायत्री मंत्र इज डेडिकेटेड टू सावित्री, ठीक है। सोमा देखिए गॉड ऑफ प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स के गॉड, एंड इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, ठीक है। अब नाइन्थ मंडल में अगर हम बात करें तो ऋग्वेद के तो 144 हिम्स जो है डेडिकेटेड है सोम के लिए सिर्फ। वायु गॉड ऑफ विंड, ठीक है, दियासुस ये गॉड ऑफ हेवन, ठीक है, मारुत्स ये स्टॉर्म स्पिरिट्स हैं, ठीक है, स्टॉर्म के गॉड मान लीजिए इनको, ठीक है। तो हनुमान जी को क्या बोलते हैं, मारुत पुत्र बोलते हैं, ठीक है। उषा गॉड ऑफ डॉन, ठीक है। फिर है अदिति, ये ग्रेट मदर ऑफ गॉड्स, ठीक है, ग्रेट मदर ऑफ गॉड्स। फिर है अरण्यानी, ठीक है, लेडी ऑफ फॉरेस्ट, अरण्यानी मतलब अरण्य मतलब होता है जंगल, और अरण्यानी मतलब होता है लेडी ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। दिशामा मतलब होता है गॉडेस ऑफ द वेजिटेशन, ठीक है। त्वास्ती, त्वास्त्री मतलब होता है आपका वैदिक वॉल्केन, ठीक है। इसके बाद पूषण मतलब होता है गॉड ऑफ एनिमल, ठीक है, पूषण मतलब है गॉड ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के गॉड, ठीक है। इला मतलब क्या है, गॉडेस ऑफ ऑफरिंग, ठीक है। गंधर्वाज है डिवाइन म्यूजिशियंस, ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंद्रा जो होते थे डिवाइन म्यूजिशियंस, वो जो है कौन होते थे, गंधर्व्स। अप्सराज ये कौन थी, वाइफ्स ऑफ द गंधर्वाज, ठीक है। उर्वशी वॉज द बेस्ट नोन वैदिक अप्सरा, ठीक है, उर्वशी। तो ये हो गया हमारा सेक्रीफाइस की बात कर, देखिए सेंटर ऑफ द वैदिक रिलीजियस आइडियाज वो सेक्रीफाइस, ठीक है, इट वाज सेक्रीफाइस, एंड इट सपोज सॉरी इट्स पर्पस वाज द ग्रेटिफिकेशन ऑफ द गॉड्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द ब्लेसिंग फ्रॉम देम, ठीक है। अब गृह कर्मानी, ठीक है, गृह कर्मानी हिम्स वर यूज्ड एज द प्रेयर्स एट बर्थ मैरिज एंड अदर ओकेजन विच अ हाउसहोल्ड या हाउस होल्डर कुड परफॉर्म, ठीक है। ग्रैंड सेक्रीफाइस की बात करते हैं, स्पेशली इन द कनेक्शन ऑन टू सोमा वॉज अंडरटेकन बाई द रिच एंड वेल्दी मैन, ठीक है, एंड किंग। सम मेन सेक्रीफाइसेस कुछ हम देखेंगे, एक तो देखिए अश्वमेध, ठीक है, अगर आपने रामायण कभी पढ़ा होगा या आपने पढ़ा नहीं हो तो टीवी में ही सुना होगा, तो जो अश्वमेध है उसको हॉर्स सेक्रीफाइस कहते हैं, एंड इट लास्टेड फॉर द थ्री डेज, सॉरी इट लास्टेड फॉर द थ्री डेज, फोर ऑफिसेंट, फोर वाइफ्स ऑफ द किंग्स एंड देयर 400 अटेंडेंट्स टुक पार्ट, तो इतने लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं ऑफिशियली। या देखिए इसमें हॉर्स जो होता है वो क्या होता है, फ्री छोड़ दिया जाता है रोम करने के लिए, उनको खुला छोड़ दिया जाता है, और एक साल के लिए ऐसा होता है, एक साल के लिए छोड़ दिया जाता है। व्हेन द हॉर्स वॉज ब्रॉट बैक टू द एंड ऑफ द ईयर इट वॉज सेक्रीफाइज अलॉन्ग विद द 600 बुल्स, ठीक है। तो देखिए ये बहुत ही मतलब देखिए हॉर्स जब वापस आता है तो 600 बुल्स के साथ उसको सेक्रीफाइस कर दिया जाता है। हॉर्स सेक्रीफाइस कंफर्ड द विक्ट्री एंड द सोवरेनिटी ऑफ द किंग, तो जहाँ जहाँ पे ये कहा जाता है जहाँ जहाँ पे उनका घोड़ा पहुँच जाता है वहाँ वहाँ तक वो ज़मीन उनकी हो जाती है, अगर बीच में कोई रोक लेता है तो उनसे युद्ध करना पड़ता है, तो ऐसा कुछ था। नेक्स्ट हमारा है वाजपेयी सेक्रीफाइस, ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है।
देखिए द सेक्रीफाइस लास्टेड फॉर 17 डेज, 17 दिन चलता है, और ये वाला सेक्रीफाइस 1 साल के लिए हॉर्स को छोड़ा जाता है, सेक्रीफाइस 3 दिन चलता है। तो जो है 17 डेज टू अ ईयर, 17 दिन से लेके 1 साल तक ये चलता है। एंड इट इज़ नॉट ओनली री स्टोर्ड स्ट्रेंथ ऑफ द ऑफ अ मिडिल एज किंग, बट ऑल्सो रेज हिज स्टेटस फ्रॉम द सिंपल राजा टू सम्राट। ठीक है, तो मतलब एक ओल्ड एज किंग का जो जो है स्ट्रेंथ उसको बढ़ाने के लिए, और एक सिंपल एक राजा से उनको सम्राट बनाने के लिए ये होता है। वाजपेयी हु कंट्रोल सेवरल किंग्स, जो सम्राट जब बन जाते हैं तो बहुत सारे किंग्स उनके अंडर में आ जाते हैं। ठीक है, अब राजसूय सेक्रीफाइस, रॉयल जो है इसमें, राजसू मतलब होता है रॉयल, ठीक है, उस तरीके की सेक्रीफाइस होती है। उसमें हारमोनियस जो है आपका पेड टू द प्रीसीडिंग प्रीस्ट समटाइम्स अमाउंट, ये जो आपका कितने हैं 2,40,000 काउज जो है ये जो प्रीस्ट होते हैं उनको दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये रॉयल कॉन्स्पिरेशन है, इसमें जो है हारमोनियस मतलब ये जो प्रीस्ट होते हैं जो ये पूजा करवाते हैं उनको 2,40,000 काउज जो है दान में दी जाती हैं। ठीक है, अब हम ये हमने वैदिक एज कंप्लीट कर दिया, लेटर वैदिक एज हम कवर करेंगे, और ये 1,000 से 600 BC का टाइम है। ठीक है, 1,000 से 600 आप मुझे बताएंगे वैदिक एज का टाइम क्या था। ठीक है, इन द लेटर वैदिक पीरियड देयर वाज डेफिनेट ट्रांजिशन टू अ टेरिटोरियल गवर्नमेंट, द यूज ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द ब्रिंगिंग दिस चेंज। ठीक है, देखिए आयरन टूल्स जो है वो जो है और वेपन्स का यूज यहाँ पे शुरू हो गया था। हमने देखा था कि वैदिक टाइम में जो एग्रीकल्चर था उसमें जो होज वगैरह थे, जो प्लाउशेयर था वो लकड़ी का बना हुआ था, और वो जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते थे मेनली। वो जो है सेटल नहीं थे कहीं भी, वो जो है ट्राइब से मूव करते रहते थे, नोमैडिक थे वो लोग। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे देखिए आयरन का यूज़ होता है और क्या क्या चेंजेस सोसाइटी में आती हैं। द जियोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ द लेटर वैदिक एज वॉज हिमालयन इन द नॉर्थ एंड विंध्याज इन द साउथ एंड अफगानिस्तान इन द वेस्ट एंड द नॉर्दर्न बिहार इन द ईस्ट। सोसाइटी की बात करें तो फोर फोल्ड सोशल डिवीजन था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र, वॉज डीप रूटेड इन द लेटर वैदिक पीरियड। ये जो है बिल्कुल जड़े जमाली थी, ऐसा हमने एक अभी अच्छा हमने कौन सा रिचुअल पढ़ा था जिसमें जो नॉन आर्यंस थे वो अपने आप को आर्यंस में कन्वर्ट कर सकते थे, वो मुझे बताइएगा। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इसकी रूट कहीं बहुत ज़्यादा डीप हो जाती है, और यहीं से अब डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है, यहीं से विमेंस की जो आपका जो वो होता है कि उनकी जो अथॉरिटी होती है वो छीन ली जाने लगती है धीरे धीरे। द वर्ना सिस्टम वॉज नाउ बेस्ड ऑन द बर्थ एंड नॉट ऑन द ऑक्यूपेशन। ठीक है, देयर वॉज एन इंक्रीज इन द प्रिविलेजेस ऑफ टू हायर क्लासेस, ब्राह्मण्स और क्षत्रियास, एट द कॉस्ट ऑफ द टू लोअर कास्ट, ठीक है, वैश्य एंड शूद्र। अब चंदोग्य उपनिषद की बात करें, देखिए चंदोग्य उपनिषद मेंशंस 3 आश्रम्स। ठीक है, कौन सा है, इन द जबाला उपनिषद 3 आश्रम जो उन्होंने बताए। ठीक है, देखिए 3 आश्रम चंदोग उपनिषद में मेंशन किया गया है। याज्ञवल्क प्रपोजेस 4 आश्रम्स, इनके अकॉर्डिंग 4 आश्रम है। एक तो है ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है, स्टूडेंटशिप होता है जो, गृहस्थ आश्रम, हाउस होल्ड, ठीक है, वानप्रस आश्रम, ठीक है, ये जो है आपका जो पेरेंट्स होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं उस टाइम, ठीक है, जो ओल्ड एज में चले जाते हैं फ्रॉम द हाउस होल्ड लाइफ बाय लिविंग इन द फॉरेस्ट। एक होता है संन्यास, कंप्लीट रिटायरमेंट फ्रॉम द एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जो है हमारा हो जाता है। और लेटर वैदिक पीरियड, अब देखिए चंदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम बताए गए हैं, ठीक है ना, चंदोग्य उपनिषद में मेंशन 3 आश्रम्स, लेकिन यहाँ पे याज्ञवल्क ने प्रपोज किया है 4 आश्रम। लेटर वैदिक पीरियड वुमेन वर डिप्राइव्ड ऑफ अटेंडिंग द असेंबली, सभा समिति, ये सब वहाँ पे नहीं हो पाता है। ठीक है ना, ऐतरीय ब्राह्मण में क्या बताया गया है, ऐतरीय ब्राह्मण डिस्क्राइब्स अ डॉटर वाज अ सोर्स ऑफ मिजरी। अब देखिए यहाँ पे ये शुरू हो रहा है इन लोग का, अब ये डॉटर जो है इनके लिए सोर्स ऑफ मिजरी हो जाती हैं। ठीक है ना, अब दुख का कारण है लड़कियाँ, अभी पहले दुहित्री थी, ठीक है, काउस का मिल्क निकाल रही थी उनके, और पहले भी ऐसा कोई नहीं था कि उनके लिए कोई हिम्स वगैरह नहीं थे, लड़कों के लिए थे, ठीक है, सूरवीर बच्चों के लिए जो है हिम्स वगैरह थे, लेकिन यहाँ पे डॉटर्स जो है सोर्स ऑफ मिजरी बता दी गई। द अथर्व वेदा ऑल्सो डिप्लोर्स द बर्थ ऑफ द डॉटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है बहुत खुशी नहीं मनाई जा रही है, दुखी हो रहा है लोगों को जब लड़कियाँ हो रही हैं। विमेंस वर ऑल्सो डिनाइड बोथ द गायत्री मंत्र और द उपनयन। पहले उपनयन संस्कार जो है लोगों को जो है अधिकार था जो स्त्री थी, लेकिन अब इनको जो गायत्री मंत्र उपनयन का अधिकार नहीं मिलता। पॉलिटी की बात करें तो देखिए इन लेटर वैदिक पीरियड द ट्राइबल असेंबलीज लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस एंड रॉयल पावर्स इंक्रीज एट देयर कॉस्ट। ठीक है, द हाँ
विधाता कम्प्लीटली डिसअपीयर्ड, विधता सॉरी ये विधत जो है एक हमारी असेंबली थी वो जो है डिसअपीयर हो जाती है, विधाता नहीं है, विधत है, ठीक है, डिसअपीयर्ड एंड सभा बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन द समिति, ठीक है, अब जो सभा हुआ करती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई समिति से, ठीक है। द टर्म राष्ट्र विच इंडिकेट्स टेरेटरी, राष्ट्र जो है क्या था, इंडिकेट्स टेरेटरी फर्स्ट एरोज ड्यूरिंग द दिस पीरियड, एंड राष्ट्र पहले नहीं हुआ करता था, पहले राष्ट्र नहीं था, जन था, जनपद का मेंशन नहीं था, जन था, लेकिन यहाँ पे राष्ट्र शब्द आ गया। द पीरियड वाज आल्सो सॉ द इमर्जेंस ऑफ द जनपदास, ठीक है, अब यहाँ पे जन था, अब यहाँ पे देखिए जनपद आ गया। अब कौन सा, जैसे एग्जांपल है पुरु एलाइड विद द भरतास फ्रॉम टू फॉर्म द कुरुज, और जो है यहाँ पे तुरुवासु एलाइड विद द क्रिवीज टू फॉर्म द पंचालास, ठीक है, तो तुरुवसु और क्रिवी जो है क्रिवी जो है मिलके पंचाल बना दिए। द पोजिशन ऑफ द राजन इंक्रीज, अब राजा का जो पावर है, जो शक्ति है वो इंक्रीज हो रही है। ही वॉज नो लॉन्गर इन्वॉल्व इन द कैटल रेड एलोन, ठीक है, अब सिर्फ गायों के लिए और कैटल्स के लिए लड़ाई नहीं होती, बट इमर्ज एज द प्रोटेक्टर ऑफ द टेरेटरी, अब जो है जमीन के लिए भी लड़ाई हो रही है, ठीक है। द राजन नाउ बिकेम द क्षत्रिय, विच इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड क्षत्र, ठीक है, द किंग वॉज नोन बाई द वेरियस नेम्स, ठीक है, विराट इन द नॉर्थ, नॉर्थ में विराट के नाम से, भोज इन द साउथ, ठीक है, सम्राट इन द ईस्ट, एंड स्वराट इन द वेस्ट, ठीक है, एंड राजा इन द मिडिल, तो ये सारे नाम थे इनके। द वन हु वोन ऑल द फोर डायरेक्शंस और नोन एज द एक राट, ठीक है, जिसका जो चारों डायरेक्शन पर जिनका कब्जा हो जाए इनको एक राट कहते थे, ठीक है। द किंगशिप बिकेन हेरिडिटरी एंड गेन द पावर, अभी हमने देखा था कि किंगशिप वहाँ पे कौन सी ऐसी असेंबली थी, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कौन सी असेंबली थी जिसमें जो किंगशिप हुआ करता था वो क्या था, वो आपका जो है उसमें राजा को इलेक्ट किया करते थे, इलेक्शन वाले वो जो आपका एग्जीक्यूटिव का काम कर रही थी वो कौन सी जो है असेंबली थी, ठीक है, और जो है किंग्स को इलेक्ट कर रही थी। यहाँ पे जो है अभी किंग का इलेक्शन खत्म हो गया, अब ये हेरिडिटी हो गई, हेरिडिटरी जो है इनके अब इनके जो पुत्र होंगे वो किंग बनेंगे। अथर्ववेद डिस्क्राइब द किंग एज द प्रोटेक्टर ऑफ द ब्राह्मणास, ठीक है, एंड ये जो है लोगों के, ठीक है, ईटर ऑफ द पीपल, ठीक है, ये जो है प्रोटेक्टर हो गया ब्राह्मणास के, जो जनता है उनके प्रोटेक्टर हो गया। अनदर टेक्स्ट डिस्क्राइब द किंग एंड द लर्नर ब्राह्मण्स वुड अपहोल्ड धर्म, ठीक है, किंग और ब्राह्मण मिलके जो है धर्म को अब धर्म की रक्षा करेंगे, और जहाँ रक्षा की बात आ गई वहाँ पे शोषण शुरू हो जाता है। शतपथ ब्राह्मण ऑल्सो डिस्क्राइब्स एन अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन बिटवीन द प्रीस्ट एंड द वॉरियर्स, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण डिस्क्राइब्स किंग्स एज द किंग्स को क्या बताते थे, किंग्स को बताते थे डिवोवियर ऑफ द पीपल, मतलब क्या होता है, ये जो है लोगों को, जो जनता है, जनता के रक्षक हैं, ठीक है ना, तो हिंदी में इनको बोलते हैं विषमाता, ठीक है, अब ये जो है उस टाइम का वर्ड था जिसके लिए जो है यूज किया जाता था, बिकॉज ही लिव्ड ऑन वर्ड वॉज रियलाइज फ्रॉम देम, ही लिव्ड ऑन वर्ड वॉज रिलीज फ्रॉम देम, सॉरी वर्ड वॉज रिलीज फ्रॉम देम, जो भी वो देते थे उन पे जो है लोगों को आपका अपना जीवन यापन करना होता था, इसलिए जो है वो क्या थे, कंट्रोलर थे, लोगों को कंट्रोल करने लगे थे, ठीक है। और इसके बाद जो है हमारा क्या है, लेटर वैदिक टेक्स्ट मेंशन द ऑफिशियल, देखिए इसमें क्या है, भाग दुघा हु कलेक्टेड, अच्छा भाग दुघा हु कलेक्टेड द रॉयल शेयर ऑफ द प्रोड्यूस, ठीक है, तो जो लोग जनता जो उपज जो कराती थी, जो है उसकी जो सेविंग हुआ करती थी उसमें से जो है कुछ रॉयल शेयर जो है कलेक्ट किया करते थे, और ऑफिशियल्स होते थे भाग दुघा बोलते थे इनको। द इनकम फ्रॉम द टैक्सेस इनेबल्ड द किंग टू अपॉइंट हाई, अब देखिए फंक्शनरीज वहाँ पे अपॉइंट किए जा रहे हैं इनकम टैक्स लेके, और हु वर 12 इन नंबर, तो 12 फंक्शनरीज हुआ करते थे, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं, नोन एज द रत्निंस, ठीक है, ज्वेल्स बोलते थे, तो रत्निंस का नाम देखते हैं, ऑफिशियल और फंक्शन, सेनानी कमांडर हुआ करते थे, भागदूत कलेक्टर ऑफ द टैक्सेस था, ठीक है, संग्रहित हित्री ये रॉयल ट्रेजरर इनके कंट्रोल में था, आपका महिषी ये जो है चीफ क्वीन थी, ठीक है, गोविस्कार्टन ये जो है कीपर ऑफ द जेम्स एंड फॉरेस्ट, ये देख लीजिएगा, और फिर है युवराज ये क्राउन प्रिंस थे, पालाघाला ये मैसेंजर था, ठीक है, क्या था, पाला गाला ये मैसेंजर था, पुरोहित प्रीस्ट था, आपको पता है ग्रामीणी हेड ऑफ द विलेज है, ठीक है, कास्था जो है ये आपके कौन है, गेटमैन है, यानी कि जो दरबारी क्या बोलते हैं उनको, द्वारपाल, ठीक है, सूता जो है ये क्या था, चैरियोटर, ठीक है, जो जो चैरियोट को
आगे बैठते थे, ठीक है ना, जो उसको उनके रथ को चलाते थे, ठीक है ना। अश्व आकाश वापा यानी कुरियर, ये कुरियर डिपार्टमेंट के हेड हुआ करते रहे होंगे, ठीक है। तो द डिफरेंस टू द सतपति एंड सतपाती, ठीक है, सथापति एंड सतपाती इंडिकेट द बिगनिंग ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बिगनिंग जो है स्टार्ट होती है। एंड अधिकृता इज रिगार्डेड एज द विलेज ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द किंग, ठीक है। तो ये लोग हो गए। और देखिए एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर बिकेम द मेन ऑक्यूपेशन, पहले एग्रीकल्चर नहीं पॉस्चरलेस होते थे वो लोग, अब एग्रीकल्चर जो है मेन ऑक्यूपेशन में शामिल कर लिया जाता है। सतपद ब्राह्मण डिस्क्राइब द वेरियस स्टेजेस ऑफ द एग्रीकल्चर सच एज द प्लॉइंग, शोइंग, रीपिंग, थ्रेशिंग, सारे काम अब होना शुरू होगा जो एग्रीकल्चर में प्रॉपर होते हैं। बहुत सारे क्रॉप्स पहले यव थे, सिर्फ जव, लेकिन अब यहाँ पे यव है, बार्ली, राइस, ठीक है, व्रीही बोलते हैं राइस को, क्या व्रीही, ठीक है, व्हीट, गोधुमा, ठीक है, मूंग, मुगदा, मुदगा, ठीक है, उड़द, मांस और मिलेट, श्यामका। अब पता नहीं ये सब तो कभी ऐसे आया नहीं है एग्जाम में, यव का आया है और शायद राइस का भी आया है व्रीही, लेकिन वीट का एक बार देख लीजिएगा, गोधुमा, ठीक है, और बाकी ये सब आएगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता, एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद जो है अभी तक तो क्वेश्चन इस तरीके के पूछे नहीं है कि मतलब अब मिलेट को क्या बोलते थे उस टाइम, ये चीज नहीं पूछी गई है, बट फिर भी अब एक बार देख लीजिए अगर आप एलिमिनेट कर पाए उस टाइम तो सही है, क्योंकि थोड़ा सा ये वर्ड्स अलग टाइप के हैं। देखिए सास्तिका वॉज अ रेनी सीजन क्रॉप ऑफ राइस विच राइपन्स ऑन इन 60 डेज, ठीक है ना। सतपथ ब्राह्मण मेंशन द टर्म प्लासुका लिटरली मीनिंग द ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, प्लासुका मतलब होता है ट्रांसप्लांटेशन। Iron was used around 1000 BC in the Gandhara area of Pakistan. At about same time, it was used in the eastern Punjab, western UP, MP, Rajasthan. And towards the end of the Vedic period, knowledge of iron is spread in the eastern UP and Vidhi. ठीक है, the metal iron is used, called as the Syama. ठीक है, श्याम और कृष्ण मतलब ब्लैक कलर को होता है, तो ब्लैक कलर श्याम या कृष्ण, और अयाज मतलब मेटल, ठीक है, इन लेटर वैदिक टेस्ट। लेटर वैदिक पीपल नो फोर टाइप्स ऑफ पॉटरी, ठीक है, ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है, ब्लैक स्लिप्ड वेयर और पेंटेड ग्रे वेयर एंड रेड वेयर। अब इन सभी में से पेंटेड ग्रे वेयर जो है PGW, ये जो है हमारा इट वॉज मोस्ट फेमस टाइप, ठीक है। फिर है सतपथ ब्राह्मण मेक्स रेफरेंस टू द मनी लेंडिंग विच डिस्क्राइब्स, अब यहाँ पे देखिए ये जो है कुशदिन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, मनी लेंडर्स भी वहां पे दिखे गए, एक्सक्यूज मी, ठीक है। ड्यू टू इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द आर्टिशियन एक्टिविटीज People started living as a settled life. अब देखिए एग्रीकल्चर जहाँ पे हो जाती है तो लोग सेटल एक जगह सेटल होना की कोशिश करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो अपने जो है कैटल्स को लेके मूव कर रहे थे उधर, वो एक जगह सेटल हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट बिगनिंग ऑफ द रूडीमेंट्री टाउन्स बिगन टूवर्ड्स द एंड ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। धीरे धीरे रूडीमेंट्री जो टाउन्स हैं वो भी जो है धीरे धीरे स्टार्ट होने लगते हैं, ठीक है ना। और कहाँ कहाँ जैसे हस्तिनापुर, मेरठ है, ठीक है, कौशाम्बी, इलाहाबाद है। तो अब देखिए इतने बड़े बड़े भवन दिखाए गए हैं, हम लोगों ने कई बार देखा है बहुत बड़े बड़े भवन, पता नहीं उनका एग्जिस्टेंस था कि नहीं था, क्योंकि इतनी डेवलप समाज उस टाइम भी नहीं था कि इतने बड़े बड़े भवन रहे हों, बट अब हम देखते हैं ऐसा, तो अब पता नहीं क्या जो है इसमें रियलिटी क्या है। फिर नेक्स्ट हमारा रिलीजियस लाइफ, ठीक है, रिलीजियस लाइफ देखें तो ड्यूरिंग द लेटर वैदिक टाइम्स अर्ली वैदिक गॉड्स जैसे इंद्र, अग्नि लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस। प्रजापति जो क्रिएटर थे उनको वो बिकेम जो है इंपॉर्टेंट। रुद्रा बिकेम इंपॉर्टेंट एंड विष्णु द प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल केम टू फोर फ्रंट, ठीक है, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट गॉड्स हो गए, ठीक है। फिर हम देखेंगे पूषण हु वॉज द गॉड ऑफ द कैटल नाउ बिकेम द गॉड ऑफ द शूद्रास, ठीक है। तो वही पहले मेंशन किया था कि जो जो है पूषण जो थे वो ये एक्चुअली वो जो गॉड मैंने बताया था आपको एक कॉस्मिक गॉड थे, तो वो पूषण वो अलग थे। पूषण जो है वहाँ पे कैटल के गॉड भी हमने मेंशन किया था, लेकिन वो जो अब कैटल के गॉड ना होंगे वो शूद्रास के गॉड हो गए। सेक्रीफाइस की बात करें, देखिए सौत्रामणि इज द सेरेमनी ऑफ द सोम, ठीक है, सोम सेक्रीफाइस, सौत्रामणि की सेरेमनी था सोम सेक्रीफाइस का। देखिए सेक्रीफाइसर अब ये क्या करते थे, सोम मतलब ये जो ड्रिंक होता था उसको पीते थे, ठीक है, और मिल्क को ऑफर करते थे गॉड्स को, ठीक है,
ठीक है, और अपने फोर फादर्स को जो अपने उनके पूर्वज हुआ करते थे उनको भी जो है ये ऑफर किया जाता था, ठीक है। और एक हमारा दूसरा सेरेमनी है देवाशुह विमसी, ठीक है। ये जो है इन सेरेमनी डिजायर इज एक्सप्रेस फॉर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ अथॉरिटी सच एज द कास्ट्रा, ठीक है, एंड जनराज्य, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है अभिषेक कन्यम, ठीक है। ये अभिषेक कन्यम ये क्या था, किंग इज स्प्रिंकल्ड ओवर बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थ्री अपर कास्ट एंड द जन्ना, ठीक है। अब दूसरा हमारा है एक सेक्रीफाइस रत्ना विमसी, ये क्या है इसमें सेरेमनी में विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द राजस्व कोरोनेशन सेक्रीफाइस एंड सेक्रीफाइसिंग किंग वेंट टू द हाउस ऑफ ईच, जिसे जो लोग होते थे रेतनी, ठीक है, एंड ऑफर्ड द ऑब्लिगेशंस टू द ईच डेटी देयर, ठीक है ना। तो जितनी भी डेटीज वहाँ पे होती थी उनको जो है मतलब उनके सामने प्रे करते थे, ठीक है, इस टाइम जो जो किंग्स हुआ करते थे। और नेक्स्ट हमारा है अग्निसोमा, ठीक है। इसमें क्या होता था सेरेमनी, इसमें जो है ऑक्स, ठीक है, सेक्रीफाइस द ऑक्स एंड सेक्रीफाइस द स्टराइल काउस, ठीक है, और दैट ऑफ द 11 एनिमल्स इज गिवन, ठीक है। तो ये चीज़ होता था। और अब नेक्स्ट हमारा है अघन्या देह, ठीक है। ऑल द पब्लिक रिचुअल्स वर प्रोसीडेड बाय द फायर लिंग सेरेमनी कॉल्ड एज अघन्या देह, ठीक है, अग्निया देह, ठीक है, अग्निया देह। तो ये हो गया हमारा 16 संस्कार की बात करते हैं। 16 संस्कार जो थ्रो लाइट ऑन द मैनर्स एंड कस्टम ऑफ द पीरियड, ठीक है। तो देखिए 16 संस्कार गर्भाधान है, ठीक है, कॉन्सेप्शन का टाइम, ठीक है। फिर आपका है पुमशावना, ये सेरेमनी टू सिक्योर बर्थ ऑफ अ मेल चाइल्ड, मतलब मेल चाइल्ड हो, ठीक है। फिर हमारा है सीमांतो नयन, ठीक है, ऑफरिंग प्रेयर्स टू द विष्णु टू टेक केयर ऑफ द वूम्ब, ठीक है। फिर हमारा है जातकर्मन, मतलब सेरेमनी फॉर द न्यू बॉर्न चिल्ड्रन, ठीक है। फिर नामकरण होता है, नामकरण तो जो क्या होता है नेमिंग होता है बच्चों का, ठीक है। फिर उसके बाद होता है हाँ निष्क्रमणन, इसमें होता है फर्स्ट आउटिंग ऑफ द चाइल्ड, बच्चा जब पहली बार बाहर निकलता है, ठीक है। अन्नप्राशन, ठीक है, इसमें क्या होता है फर्स्ट फीडिंग ऑफ द चाइल्ड विद अ सॉलिड फूड इन द 6 मंथ, ठीक है। उसके बाद है कूड़ाकर्मन, इसमें क्या होता है कि जो है बच्चे को जो होता है ना बाल जो है साफ कराते बच्चों का वो। कर्णवेधा, इसमें पियर्सिंग ऑफ द ईयर होता है, बच्चों का जो ईयर लोब होता है उसको पियर्सिंग करते हैं, ठीक है, चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल हो वो नहीं मैटर, ठीक है। फिर है विद्यारंभ, ठीक है, विद्यारंभ में क्या होता है दिस इन्वॉल्व लर्निंग ऑफ द अल्फाबेट्स। तो ये 10 हो गए, और ये कितने संस्कार थे, तो 16 संस्कार थे। तो अभी हम देखेंगे, देखिए इसमें कुछ संस्कार हमें भी हम फॉलो करते, सारे तो नहीं किया जाता लेकिन कुछ संस्कार अभी भी फॉलो किया जाता है। तो और बहुत सारे लोग और कुछ ज़्यादा संस्कार फॉलो करते हैं, वो डिपेंड करता है। उपनयन है, इट वॉज द होली थ्रेड सेरेमनी, मतलब ये जनेऊ बोलते हैं उसको, जनेऊ पहनते हैं, ठीक है, वो शोल्डर्स ऐसे बॉयज, ठीक है, तो जनेऊ उपनयन संस्कार होता है, ठीक है। वेदारम्भ, ठीक है, अब वेदारम्भ तो वेद तो पढ़ता नहीं कोई, इट इज़ द फर्स्ट स्टडी ऑफ द वेदास, ठीक है। केशांता, अच्छा वो कुछ और था, अभी यहाँ पे केशांत है, वो देख लीजिएगा उसको क्या था एक बार। तो केशांत में क्या था, कटिंग ऑफ द हेयर, ठीक है। इसके बाद जो है आपका समावर्तना, मतलब ग्रेजुएशन होता है इसमें, विवाह, उसके बाद जो है अंत्येष्टि, फिर लास्ट हमारा अंत्येष्टि होता है। और ये आपका जो है इंसान जब उसका लास्ट जो है ख़त्म हो जाता है, लास्ट टाइम होता है, तो वो अंत्येष्टि होती है, ठीक है। द उपनयन संस्कार वॉज प्रोफाउंडेड बाय द ट्वाइस बॉर्न, ठीक है, दैट इज द ब्राह्मणा एंड क्षत्रिया। अच्छा ये द्विज, इसको इसीलिए द्विज बोला जाता है, देखिए इसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय ही जो है इसको इनको द्विजा बोला जाता है, ब्राह्मण और क्षत्रिय को, एंड द वैश्या बट नॉट द शूद्रा। तो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जो है ये जो है उपनयन संस्कार कर सके थे, बट शूद्रा नहीं। तो उपनयन संस्कार करने का जो है वो था ना, ये पहले लड़कियों को भी दिया जाता, लेकिन बाद में जो है लेटर वैदिक पीरियड में जो गर्ल्स थी उनसे अधिकार ले लिया गया था वापस। तो ये सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को था, शूद्र को नहीं था। ब्राह्मण इज टू बी इनिशिएटेड एट द एज ऑफ 8, ठीक है, ब्राह्मणा इज टू बी इनिशिएटेड एट द एज ऑफ 8, क्षत्रिय एट 11 एंड द वैश्य एट 12। द लास्ट परमिटेड एज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द उपनयना ऑफ अ ब्राह्मण इज 16 एंड द क्षत्रिय इज 22 एंड द वैश्य इज 24, ठीक है। तो ये हमारा एज था। यजनो पवित्र,
इट इज अ सेक्रेट थ्रेड वोर ड्यूरिंग द उपनयन सेरेमनी. तो ये जो पवित्र जो थ्रेड पहनते थे, जो क्या बोलते हैं उसको, अभी मैंने बताया था आपको जनेऊ, तो वो जो है उसको बोलते हैं. और मैरिज की बात करें तो 8 types of marriage, 8 तरीके की मैरिज प्रिविलेंट थी ड्यूरिंग द लेटर वैदिक टाइम. ठीक है ना, एक तो हमारा है ब्रह्मा वेडिंग, इसमें डॉटर गिवन टू द सुटेबल जो ब्राइड ग्रूम आफ्टर. देखो इसमें क्या होता है कि जो डॉटर्स हैं उनके लिए जो है सुयोग्य वर उनके लिए ढूंढा जाता था आफ्टर द डेकिंग हर विद ऑर्नामेंट्स. ठीक है, इसके बाद देखिए कितने टाइप्स के हमारे पास जो मैरिजेस थे उस टाइम, 8 तरीके के. तो इसमें एक तरीका का ब्राह्मण वेडिंग था, दूसरा है आपका देव वेडिंग. ठीक है, फादर ऑफर्स हिज डॉटर टू द प्रीस्ट एंड हु ड्यूली ऑफिसिकेट्स एट अ सैक्रिफाइस. ठीक है, तो इसमें जब जो प्रीस्ट आते थे उन्हीं को ही अपनी लड़की को जो है लोग फादर्स देते थे प्रीस्ट को. ठीक है, तो इसको देव वेडिंग कहते हैं. अर्थ वेडिंग, इसमें फादर रिसीव्स द गिफ्ट ऑफ अ काउ और अ बुल बाय द ब्राइड ग्रूम एंड गिव्स हर डॉटर इन रिटर्न. ठीक है, तो मतलब एक गाय या बुल के बदले अपनी डॉटर को दे दिया करते थे अर्थ वेडिंग में. ठीक है, प्रजापति वेडिंग में फादर ऑफ द ब्राइड एड्रेसेस द कपल विद अ हिम, फुलफिल योर ड्यूटीज. ठीक है, कॉन्जॉइंटली. तो ये जो है आपका प्रजापति वेडिंग होती है. नेक्स्ट हमारा गंधर्व वेडिंग. ठीक है, तो द कंसेंट ऑफ द ब्राइड एंड ग्रूम वॉज द ओनली कंडीशन इन दिस मैरिज. ठीक है, अगर वो कंसेंट है तो उनकी शादी हो जाया करती, द पेरेंट्स डिड नॉट प्ले एनी रोल. ठीक है, तो ये जो है अभी भी होती है गंधर्व वेडिंग. फिर है असुरा वेडिंग. तो इसमें क्या था कि जो फीमेल होती थी उनके ऊपर अथॉरिटी जो है दूसरे की होती थी, और जो है ये मनी वगैरह दैट एंड असुरा, इसमें क्या होता था प्रोपराइटेड बाई द मनी. यहाँ पे कुछ जो है यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है. तो ये जो है असुर वेडिंग में क्या मनी वगैरह लेके जो है वेडिंग कर दी जाती थी फीमेल्स की, उसके बदले मतलब अपनी डॉटर के बदले मनी का. फिर है राक्षसा वेडिंग, द ब्राइड इज टेकन बाय फोर्स. ठीक है, इसमें जो है फोर्सफुली ब्राइड को लेके चले जाया करते थे. ठीक है, पिचासा वेडिंग में जो है मैन अबडक्टेड अ फीमेल. ठीक है, और फीमेल को अबडक्ट करते हैं, तो इस ये जो है इसको हम कौन सा वेडिंग पिचासा वेडिंग बोलते थे. ठीक है, ये तो हमारे टाइप के वेडिंग हो गया. ठीक है, अब हम देखेंगे अनुलोम मैरिज. ठीक है, मेल इज फ्रॉम अ हायर वर्ण एंड फीमेल इज फ्रॉम द लोअर वर्ण. ठीक है, मेल जो है हायर वर्ण से बिलोंग करते थे और फीमेल जो है लोअर वर्ण, तो अनुलोम होते थे. ठीक है, प्रतिलोम कब होता है, जब मेल इज फ्रॉम द लोअर वर्ण एंड फीमेल इज फ्रॉम द हायर वर्ण. ठीक है, तो ये जो है अभी भी ये गंधर्व विवाह में कुछ भी चलता है, मेल जो है अनुलोम और प्रतिलोम. लेकिन जब पेरेंट्स के कंसेंट से जो विवाह होता है अभी भी, तो ये जो है देखा जाता है कि कौन से वर्ण का है, और इवन गोत्र और ये सारी चीजें देखी जाती हैं. ठीक है, अब है पंच महा यजनास. ठीक है, देर आर 5 great sacrifices विच वर टू बी परफॉर्म एवरी डे बाई द हाउस होल्ड. 5 जो है आपके यज्ञ थे जो परफॉर्म करने थे हर रोज. ठीक है, तो एक है ब्रह्मा यज्ञ, टीचिंग एंड स्टडिंग इज अ सेक्रीफाइस. टीचिंग एंड स्टडिंग इज अ सेक्रीफाइस ऑफर्ड टू ब्राह्मण. ठीक है, पितृजन मतलब द तर्पण, ऑफरिंग ऑफ फूड एंड वाटर. ठीक है, द सेक्रीफाइस ऑफर्ड टू द मींस. ठीक है, फिर है भूता यजनास. ठीक है, ये क्या है, द बलि ऑफरिंग टू द ऑफरिंग द सेक्रीफाइस ऑफर टू द भूतास. ठीक है, भूतास को जो है जो बलि करते, ये 3 हो गए. फिर हमारा है देव जनास, ये इसमें क्या था, द बर्न ऑब्लीशन द सेक्रीफाइस ऑफर टू द गॉड्स. ठीक है, अतिथिजन द हॉस्पिटेबिलिटी. ठीक है, या रिसेप्शन टू द गेस्ट. तो ये जो हमारे 6 तरीके के जो है आपके 5 types के जो है यजनास थे. ठीक है, वर्ड्स मेंशन, हाँ वर्ड्स मेंशन इन द ऋग्वेदा, कौन कौन से वर्ड हैं. इंद्र है 250 times, इंद्र सबसे ज़्यादा 250 times, अग्नि 200 times, काउ के बारे में 176, विष जो है 170, सोम 144, विष्णु 100 times, वरुण 30 times, सभा 8 times, समिति 9 times, सभा 1 time, समिति 9 time, रुद्र 3 times, यमुना 3 times, गंगा 1 time. ठीक है, और सिंधु जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक है, सिंधु मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, कृषि जो है 33 times और जना जो है 275 times. ठीक है, तो देखिए 250 times तो इंद्रा और जना जो सबसे ज़्यादा टाइम. ठीक है, 275 times इनका मेंशन है. ठीक है, अब देखिए फैक्ट्स हैं वेदा के बारे में, द जैन तीर्थांकर. ठीक है, अरिस्ट नेमी एंड द
पार्श्वनाथ आर मेंशन इन द ऋग्वेद, तो ये इंपॉर्टेंट है। अरिस्ट नेम और पार्श्वनाथ का मेंशन है, जैन तीर्थंकर थे ये लोग, इनका मेंशन है ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, छंदोग्य एंड बृहदारण्यक उपनिषद आर द ओल्डेस्ट उपनिषद, ठीक है, छंदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद जो है सबसे पुराने उपनिषद हैं, ओल्डेस्ट उपनिषद हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। फोर आश्रम्स या स्टेजेस हैव बीन मेंशन इन द फर्स्ट टाइम इन द जबालो उपनिषद, ठीक है, चार आश्रम का जो वर्णन है कि चार आश्रम कहाँ पे हैं, तो ये पहली बार कहाँ पे मेंशन है, जबालो उपनिषद में, ठीक है, जबालो उपनिषद में। राजसूय यज्ञ हैज बीन मेंशन फर्स्ट टाइम इन द ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण, तो ऐतरेय ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ, ठीक है, कौन से ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का मेंशन है। ठीक है, याज्ञवल गार्गी और याज्ञवल क्या, ये जो है डायलॉग्स आर मेंशन इन द बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है, गार्गी और याज्ञवल का जो है डायलॉग है ये जो है बृहदारण्यक उपनिषद में है। ठीक है, सतपथ ब्राह्मण मेंशन द वाइफ एज द अर्धांगिनी, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सतपथ कौन से ब्राह्मण में वाइफ को अर्धांगिनी मेंशन किया गया, तो सतपथ ब्राह्मण में वाइफ एज अर्धांगिनी एंड शी इज हाफ हर हस्बैंड्स एंड कंप्लीट सिंह, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ब्रह्मवादिनीज वर द क्लास ऑफ वुमेन हु डिवोट देयर होल लाइफ टू स्टडी एंड स्पिरिचुअल मेडिटेशन, ठीक है, तो ये ब्रह्मवादिनी, ठीक है। अब एक है हमारा स्याधवादु इज अ वुमेन ऑफ द डोमेस्टिक टाइप, ठीक है, डेडिकेटिंग हर सेल्फ टू द वेलफेयर ऑफ हर फैमिली एंड डूइंग डेली डोमेस्टिक ड्यूटीज, तो ये स्याधवाद। फिर हमारा नेक्स्ट हमारा है ऐत्रेय ब्राह्मण अप्लाइज द टर्म द सम्राट भोज विराट राजन टू द रूलर्स रिस्पेक्टिवली टू द ईस्ट साउथ नॉर्थ एंड मिडिल कंट्री एंड टर्म्स एकराट एंड द सर्वभूम फॉर दोज हु कॉन्कर्ड द किंग इन फोर डायरेक्शंस, तो चारों डायरेक्शन में क्या नाम है, सम्राट, ठीक है, कहाँ पे, ईस्ट में, भोज साउथ में, विराट नॉर्थ में एंड राजन मिडिल ऑफ द कंट्री, ठीक है, लेकिन एकराट और सर्वभुवन, ठीक है, सर्वभुवन बोलते हैं ना, सर्वभुवन एकराट, ये जो है चारों दिशाओं में जिनका साम्राज्य फैला होता है उन राजाओं को हम एकराट या सर्वभुवन कहते थे। ठीक है, तो ये हमारा जो है यहाँ पे आज जो है कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे रिलीजियस मूवमेंट्स इन एंशियंट इंडिया, ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।